सावन के महीने को क्यों कहा जाता है भगवान शिव का महीना? जाने क्या है सावन महीने का महत्व? हिंदू पंचांग के अनुसार सावन साल का पांचवा महीना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही भक्त भगवान शिव की भक्ति में रंग जाते हैं और पूरे सावन भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं। सावन मास में कन्याएं सावन सोमवारी का व्रत भी रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से भगवान खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी परेशानियों का नाश कर देते हैं। सावन के महीने को क्यों कहा जाता है भगवान शिव का महीना? ऐसा कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, इसलिए यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। तो वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के दौरान विष निकला, तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। तब महादेव के शरीर से इस विष को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इस कारण से ही सावन महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में कुवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के व्रत और पूजा करती हैं, तो वहीं विवाहित स्त्रियां भी अपनी पति की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए इस पूरे महीने भगवान शिव को व्रत आदि करती हैं। सावन में पड़ने वाले शिवरात्रि के साथ नागपंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे विशेष पर्व इस महीने के महत्व को बढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। मान्यता अनुसार इस महीने में शिवलिंग धतूरा और भांग अर्पित करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। ना करें। मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं। इस पूरे महीने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।